दिनेश पटेल जी, पार्टी के अध्यक्ष, सभी विधायकगण, पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज मैं जब आ रहा था और अरविंद जी से जब बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे निजामाबाद जिले में हल्दी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि पहले यहाँ शुगर फैक्ट्री थी, 10 साल से बंद पड़ी हुई है। मैं भी किसान हूं और आपके यहां से नजदीक, आप जब नागपुर की ओर जाते हो तो वर्धा जिले में मैं चीनी फैक्ट्री चलाता हूं, फिर भंडारा गोंदिया जिले में एक फैक्ट्री चलाता हूं और आपके हाईवे पर बूटी बोरी लगने के पहले जाम के बाद नागपुर जिले में भी एक शुगर फैक्ट्री चलाता हूं। हमारे देश के किसानों की हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि इसका कारण है कि 1947 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और कांग्रेस पार्टी का शासन आया। बहुत वादे हमारे साथ नेहरू जी ने किए थे पर गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण नहीं हो पाया। गांधी जी ये कहते थे कि हमारी 90% आबादी उस समय गांवों में रहती थी, पर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि गांव के लोग गांव को छोड़कर शहर की तरफ जाने लगे। हमारी मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, इनकी सबकी आबादी बढ़ती गई और गांव की आबादी कम होती गई। अब हमारे गांवों में देश की केवल 65% आबादी रहती है और 25 से 30% लोगों ने गांव को छोड़ दिया। वो मजबूर क्यों हुए, इसके लिए अगर कोई पार्टी जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, जिनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण ये परिणाम हुआ है। गांव की हालत ऐसी बना दी कांग्रेस पार्टी के राज में कि गांव में जाने के लिए रोड नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, शुद्ध पानी मिल नहीं रहा था, किसानों के फसल के सही दाम नहीं थे। मुझे याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो मैं उस समय महाराष्ट्र में मंत्री था। आप में से बहुत से लोगों को मुंबई जाने का मौका मिलता है। मैंने मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाए और मुंबई से पुणे से लेकर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया और समुंदर में एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया। और जब वाजपेयी जी ने इसको देखा तो उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि नितिन, तुमने शहरों में तो बहुत काम किया है पर अब हिंदुस्तान के गांवों को जोड़ना चाहिए और गांवों को जोड़ने के लिए योजना तैयार करनी है, वो जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। जल्दी अध्ययन करके एक कमेटी बनाओ और गांव को जोड़ने वाली योजना तैयार करो। बहनों और भाइयों, मैंने 4 महीने में अपना रिपोर्ट तैयार किया। नाबार्ड के अध्यक्ष मेरे साथ थे, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मेरे साथ थे और मैंने वाजपेयी जी को रिपोर्ट सौंपा और बराबर 20 दिन के अंदर उस समय के हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना की घोषणा की, जो फ्लैगशिप योजना है, आज भी लोगों में सबसे बड़ी पॉपुलर है। उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ये योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से
अगर 3,70,000 गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, ये मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी चाहती तो ये काम नहीं कर सकती थी? पर कभी कांग्रेस ने गांव, गरीब, मजदूर, किसान को, उनके विकास को कभी प्राधान्य नहीं दिया। गांव में स्कूल की बिल्डिंग थी तो टीचर नहीं थे, टीचर थे तो बिल्डिंग नहीं थी, दोनों थे तो विद्यार्थी नहीं थे और तीनों थे तो पढ़ाई नहीं थी। अस्पताल की हालत कांग्रेस के राज में ऐसी थी कि डॉक्टर है तो दवाई नहीं, दवाई है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो नर्स नहीं और तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए, ऐसे दवाखानों की हालत बनी और इसलिए लोग गांवों को छोड़ने लगे। पर मोदी जी आने के बाद 2014 में हमने गांव, गरीब, मजदूर, किसान को, उसके विकास को प्राधान्य दिया। वाजपेयी जी ने 2004 में समय के पेट्रोलियम मंत्री राम नाइक के साथ उसे भी ब्राजील भेजा था। उस समय हमने ये घोषणा की थी कि इस देश का किसान केवल गेहूं, चावल और मक्का नहीं लगाएगा, इस देश का किसान ये पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव ईंधन बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे देश का किसान अब इथेनॉल बना रहा है। मैं 2004 से इथेनॉल के लिए पर काम करता हूं। गेहूं, चावल, मक्का लगाने से किसानों की हालत नहीं सुधर सकती। मैं खुद, हमारे यहाँ गन्ने के जूस से हम इथेनॉल बनाते हैं। पूरे विदर्भ के 10 जिले में जितने पेट्रोल की गाड़ियां उसमें हमारा इथेनॉल डाला जाता है। मोलाइसेस, आपके यहां मोलाइसेस को क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, यूपी में शीरा बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं? मोलाइसेस, सी मोलाइसेस, बी मोलाइसेस। और अब हमारी सरकार ने अनुमति दी है कि शुगर केन जूस से भी इथेनॉल बन रहा है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल रहे हैं। अब इतना ही नहीं तो मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मेरे पास टोयोटा की इनोवा गाड़ी है दिल्ली में और वो गाड़ी 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 60% बिजली तैयार करती है और उसका पेट्रोल के हिसाब से अगर एवरेज निकाला जाए तो पेट्रोल के भाव के तुलना में वो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होता है। अब इतना ही नहीं तो हमने चावल से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी, मक्के से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी, आसाम में नुमालीगढ़ में हमने बांबू से इथेनॉल बनाया और अब पानीपत में हमने नया उद्योग खोला है जहां से जो परली है राइस स्ट्रॉ, जिसको आप तनस कहते हैं, उससे 1,00,000 लीटर इथेनॉल बन रहा है और 150 टन बायो बिटुमिन बन रहा है और 76,000 टन हवाई ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बन रही है, बायो एविएशन फ्यूल जिसके ऊपर हवाई जहाज चल रहे हैं। एक समय किसान केवल अन्नदाता था, बाद में ऊर्जादाता बना, अब ऊर्जादाता नहीं तो बिटुमिन दाता बना है, अब विटामिन दाता नहीं तो हवाई जहाज पे ईंधन भी किसान बनाने लगा। ये शुरुआत अगर इस देश में किसी ने की है तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने शुरुआत की। 16,00,000 करोड़ के फॉसिल फ्यूल डीजल पेट्रोल आयात हो रहा था। हमारा सपना है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, बजाज, टीवीएस और हीरो की स्कूटर, मोटरसाइकिल अब फ्लेक्स इंजन पर बन गई है। इतना ही नहीं तो टोयोटा के साथ सुजुकी भी गाड़ियां भी बन रही है और आने वाले समय में इंडियन ऑयल ने यह तय किया है कि 400
इथेनॉल के पंप अब हिंदुस्तान में शुरू होंगे और चावल से, मक्के से, शुगर केन जूस से, मोलासेस से, बाम्बू से, परली से, राइस स्ट्रॉ से बना हुआ इथेनॉल हमारे देश का फ्यूल बनेगा। हमारा इंपोर्ट कम होगा 16 लाख करोड़ का, और जो 5 लाख 7 लाख करोड़ बचेंगे वो किसानों के जेब में जाएंगे और किसान समृद्ध और संपन्न बनेंगे। बहनों और भाइयों, हमारे राज्य में हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर लाई, इलेक्ट्रिक कार लाई, इलेक्ट्रिक बसेस लाई, अब किसान ग्रीन हाइड्रोजन तैयार कर रहा है। मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं, 3-4 घंटे लगते हैं, नागपुर आ जाओ सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब पानी से हाइड्रोजन बना रहे, और हाइड्रोजन की गाड़ी मेरे पास दिल्ली में है, मर्सिडीज से भी अच्छी है, और वो गाड़ी हाइड्रोजन भविष्य का फ्यूल है। उस गाड़ी का नाम है मिराई, टोयोटा की गाड़ी है। मिराई जापानी वर्ड है, मिराई का अर्थ है भविष्य। इस देश का किसान केवल गेहूं चावल मक्का नहीं तैयार करेगा, तो इस देश का किसान ऊर्जा तैयार करेगा, ईंधन तैयार करेगा, बिटुमिन तैयार करेगा, हवाई ईंधन तैयार करेगा। तो क्या होगा, तो निजामाबाद से छोड़कर जो हैदराबाद गए हैं वो वापस लौट कर आएंगे, चरो घर की तरफ वापस यहाँ आएंगे, गांव समृद्ध बनेंगे, किसान समृद्ध होगा, किसान कर्ज मुक्त होगा, और जवान युवाओं के हाथों को नौकरी लगेगी। ये संभव है। मेरे ही क्षेत्र में यहां से नजदीक मैंने 15,000 युवाओं को नौकरी दी है। इस देश का किसान, गांव गरीब मजदूर किसान का भला होना चाहिए, किसानों की आत्महत्या रुकनी चाहिए। आदिलाबाद के हमारे यवतमाल जिले में हजारों किसानों ने आत्महत्या की, हमारे पश्चिम विदर्भ में किसानों ने आत्महत्या की, क्योंकि किसान जो फसल उगाता है उसको सही दाम नहीं मिलते। कापूस सस्ता है, कपड़ा महंगा है, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है, किसान के माल को कोई कीमत नहीं है। मुझे खुशी है कि आपका हल्दी का हब है, और उसमें से भी ऑर्गेनिक हल्दी जो तैयार करेंगे उनको बहुत बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। हमारे हिंगोली के सांसद हेमंत पाटिल मेरे पास बार बार आते हैं, अब हिंगोली में भी बहुत हल्दी लगने लगी है, और लगातार वो बड़ा प्रोजेक्ट वहां डाल रहे हैं, और मैं वहां ड्राई पोर्ट बना रहा हूं ताकि वहां की हल्दी की पाउडर डायरेक्ट दुनिया में एक्सपोर्ट हो जाए, किसानों को उसका फायदा मिले। बहनों और भाइयों, इस देश का किसान समृद्ध और संपन्न बनना चाहिए, गांव की तरक्की और विकास होना चाहिए, और गांव में उद्योग शुरू होने चाहिए। उद्योग वहीं शुरू होते हैं, व्यापार वहीं बढ़ता है जहां वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता है। बिजली चाहिए, पानी चाहिए, टेली कम्युनिकेशन के साधन चाहिए और रास्ते चाहिए। मैंने अपने ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिख कर रखा हुआ है। जॉन एफ केनेडी ने कहा, क्या कहा था, उन्होंने कहा था, अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड अच्छे बनने से समृद्धता और संपन्नता आती है। मैं आपके तेलंगाना राज्य में 2 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूं, 2 लाख करोड़ के। आप किसी भी जिले में जाइए, सब जगह काम शुरू है। केवल रोड नहीं बना रहा हूं, मैं एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे। हमारे यहां मंचेरियल से लेकर अरमूर तक 132 किलोमीटर 5,200 किलोमीटर करोड़ रुपए खर्चा करके मैंने काम शुरू किया है, जिससे ये दूरी कम से कम 25 किलोमीटर कम हो जाएगी, और जहां यात्रा के लिए 4 घंटे लगते थे वो 1.5 घंटे में काम हो जाएगा। और सिंगरौली कैलरीज, बेलमपल्ली कोल केमिकल कॉम्प्लेक्स नियर मंचेरियल, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री,
सबको एक अच्छी कनेक्टिविटी होगी। मैं नागपुर से विजयवाड़ा एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं, इसकी लागत 15,000 करोड़ रुपए है, 401 किलोमीटर है और ये कॉरिडोर नागपुर से विजयवाड़ा के बीच बेटर कनेक्टिविटी देगा। इसमें से कालेश्वरम मंदिर, हजार स्तंभ मंदिर, भद्रकाली मंदिर, रामप्पा मंदिर, पुरावी वीरभद्रा स्वामी मंदिर, इसको कनेक्टिविटी मिलेगी। हमारे हैदराबाद से रायपुर तक हम हाईवे बना रहे, काफी काम हो चुका है। ये 335 किलोमीटर का है, इसकी लागत 12,000 करोड़ रुपए है, इसकी लंबाई जो है वो 65 किलोमीटर आपके इसमें आती है और मेरा विश्वास है ये भी हाईवे तेलंगाना के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो आपके विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है वो इंदौर से हैदराबाद है, ये 525 किलोमीटर 15,000 करोड़ की लागत की योजना है। परियोजना में लंबाई 136 किलोमीटर है, तीन पैकेज 5,000 करोड़ की है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच इसके कारण ट्रैफिक में तेजी आएगी। हैदराबाद और नांदेड़ के बीच का समय अभी जो लगता है वो आधा हो जाएगा। अभी कितना लगता है? आधा हो जाएगा। इंदौर से हैदराबाद का समय 12 घंटे से घटकर केवल 5 घंटे हो जाएगा। मुझे विश्वास है नागपुर विजयवाड़ा, हैदराबाद विशाखापट्टनम, इंदौर हैदराबाद, सोलापुर कर्नूल चेन्नई, हैदराबाद रायपुर, ये पूरे तरह से केवल तेलंगाना में हम कम से कम 60,000 करोड़ रुपए के हाईवे बना रहे। ये तो हम लोग अपने भाषण में कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आप कभी मनाली में गए होंगे, हिमाचल प्रदेश में, मनाली के बाद रोहतांग पास जाना पड़ता है, हिमालय के ऊपर 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में जाते हैं, टनल बना दिया हमने। वहां से बाहर निकलने के बाद लद्दाख लेह तक 4 टनल बना दी, वहां से लद्दाख ले आते, वहां से कारगिल, कारगिल के नीचे झोजिला टनल आशिया की सबसे बड़ी 11 किलोमीटर बनाई, झोजिला से झेड़मोर बनाई और हिमालय के बीच में से वो आता है श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू के बीच में 18 टनल बनाई और वैष्णो देवी के पहले हमने हाईवे बनाया दिल्ली से कटरा, अमृतसर, कटरा से दिल्ली 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में और दिल्ली आकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। और सूरत से लेकर हम नासिक जाएंगे और नासिक से निकलकर अहमदनगर आएंगे, अहमदनगर से सोलापुर आएंगे, सोलापुर से कर्नूल आएंगे और कर्नूल से हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, बेंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी तक एक्सिस कंट्रोल रोड से चले जाएंगे। तो हम भाषण में कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक रास्ता बन गया। रास्ते बनेंगे तो उद्योग और व्यापार बढ़ेगा। मेरा विश्वास है कि तेलंगाना में जो राज्य है, जिस प्रकार से वो राज्य काम कर रहा था इसके पहले, उन्होंने एक ही काम किया, न जात पर न बात कर, खाओ खींचो अपने बाप का माल है, जितना लूटना है उतना लूटो, एक पाव डटाओ गरीबी हटाओ। अब कांग्रेस वालों ने तो हमको मूर्ख बनाया, इसके पहले भी कांग्रेस थी, पर देश का विकास नहीं हुआ और इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि इस देश का किसानों का भला कौन कर सकता है, इस देश के युवाओं को रोजगार कौन दे सकता है, इस देश के महिलाओं को अपने अधिकार कौन दे सकता है। इस देश में युवाओं के हाथों में नॉलेज के आधार पर दुनिया की ताकत कौन बना सकता है हिंदुस्तान को, इन सब सवालों का एक ही जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश के तस्वीर को बदल सकती है। मोदी जी का सपना है कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाना, मोदी जी का सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाना, मोदी जी का सपना है
वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हिंदुस्तान को बनाना, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना और ये विकास का काम करने की ताकत हमारी सरकार में है। ये केवल हम बातों में नहीं कहे, तो 10 साल ये काम करके हमने दिखाया है। और इसलिए जो विकास यात्रा तेलंगाना में चल रही है, एक परिवर्तन की आंधी लेकर आपको आना है। आपने टीआरएस को भी देखा, उसके पहले कांग्रेस को भी देखा। एक हिंदी पिक्चर में गाना था, जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये सब डुप्लीकेट माल है। अगर आप विकास चाहते तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए। दिल्ली में हमारी सरकार है, तेलंगाना में भी हमारी सरकार आएगी, फिर से आपको अवसर मिलेगा। और मेरा विश्वास है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तेलंगाना के भविष्य को बदल दिया है। ये जो विकास की प्रक्रिया है, ये और गतिशील करने के लिए, तेलंगाना का विकास करने के लिए मैं आपको विश्वास देता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले तेलंगाना के रोड और राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर होंगे, ये वचन मैं आपको देता हूं। मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत रोड हम बना रहे हैं। हमारे सांसद जी जब भी कहते हैं, जो भी समस्याएं रखते हैं, हम तुरंत उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। मेरा विश्वास है आपका प्रेम, आपका विश्वास